नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच रंगमंच के भीष्म पितामह को ला रहे हैं। इनकी कहानी को आप सुनेंगे, इनके जीवनी को सुनेंगे, साथ ही साथ बेगूसराय के रंगमंच में इनके योगदान को भी सुनेंगे। आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने के लिए हमारे के भी स्टूडियो में आज हैं प्रसिद्ध रंगमंच के कलाकार संजय राज, जिन्हें हम लोग रोजी भैया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं संजय राज उर्फ रोजी भैया जी से। संजय सर, हमारे के भी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि संजय राज जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, उनका पारिवारिक परिवेश कैसा रहा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो और उनसे जुड़े तमाम व्यक्तियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आपके द्वारा चलाई गई ये जो पहल है बहुत अच्छी पहल है। बेगूसराय ज़िले के लिए ये दूरगामी एक बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है, मैं ये समझता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरा नाम संजय राज, प्यार से लोग मुझे रोजी बोलते हैं, और मेरी पढ़ाई लिखाई बेगूसराय में ही हुई है। मेरे दादाजी, उनका नाम था स्वर्गीय सीताराम महाराज जी, जो यहाँ के सीनियर मोस्ट लॉयर हुआ करते थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके बड़े पुत्र, वो उनका नाम था स्वर्गीय अनिल महाराज, उनका मैं बड़ा पुत्र हूँ, वो भी लॉयर थे और मैं भी पेशे से लॉयर। साथ साथ मैं रंगमंच भी करता हूँ और ये रंगमंच की शुरुआत वर्ष 1984 या 85 से शुरू हुई। लंबी यात्रा है, 37-38 वर्षों की लंबी यात्रा है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के दौर में जो जिस तरह से कलाकार अभी रंगमंच में चले आ रहे हैं, उस तरह से हम लोगों का इस रंगमंच में आना नहीं हुआ था, बल्कि हम इंटरव्यू दे के आए थे उस समय। हाँ, क्योंकि आई वॉज स्टडिंग इन द GD कॉलेज और GD कॉलेज में उस समय इंटरव्यू चल रहा था और वहाँ एक रंगमंच होना था NSS की तरफ से, और उसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि उसमें हम कोई काम कर सके, उसका इंटरव्यू चल रहा था। तो इत्तेफाकन मेरा एक दोस्त राजेश मेरे साथ पढ़ता था, बड़ा दुख है कि वो अभी है नहीं, वो गुजर चुका है, उसके देहांत हो चुका है। उसने मुझे कहा कि आप NSS में चलो। उस समय इब्राहिम सर हुआ करते थे, बड़े प्यारे लेक्चरर थे जी। उन्होंने इंटरव्यू लिया और उसमें सिलेक्शन हुआ और उसके बाद तब एक प्ले हुआ, एक और द्रोणाचार्य, उसके निर्देशक हुआ करते थे श्री अवधेश, जो हमारे गुरुदेव थे जी। उनके सानिध्य में पहला प्ले हमने बेगूसराय में किया था और काफ़ी सफल हुआ था। संजय जी, दर्शक एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि मैंने जिसे परिचय दिया कि संजय राज जी बेगूसराय रंगमंच के भीष्म पिता में, और सच्चाई है कि 40 वर्षों तक जिस व्यक्ति का योगदान किसी एक क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से वो कई पीढ़ी को देखते हैं, कम से कम 2-3 पीढ़ी को बिल्कुल देखते हैं। उनके साथ काम करने का अवसर मिलता है, अगले पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिलता है। तो लगभग अपने जीवन में कितने नाटक को मंचित कर चुके हैं, उसका प्ले कर चुके हैं? देखिए, शुरुआत मैंने की थी एक और द्रोणाचार्य से जी, और उसके बाद लगातार कई प्ले मैंने किया है, जिसमें अच्छे अच्छे प्लेज हैं, कबीरा खरा बाजार, बाबूजी, डाकू, कोर्ट मार्शल, चेहरे, बहुत सारे तमाम प्लेज मैंने किए और अभी तक हम करते चले आ रहे हैं। थोड़ा मैंने इस बार ट्रेंड चेंज कर दिया, कोशिश
मेरी ये रहती है अब कि जो भी प्लेस हो वो ओन रिटर्न हो तो बेहतर है, जी बेगूसराय की अपनी एक संपत्ति हो वो। बिल्कुल बिल्कुल जी और इस दौरान राणा जी बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने बहुत करीब से देखा है, जी और मैं ये कहता हूँ कि बहुत दिनों से मैं प्ले कर रहा हूँ और रंगमंच से बहुत करीब हूँ, इसमें बहुत मैंने दर्द महसूस किया है, आर्टिस्टों का दर्द भरा हुआ है इसमें। जी आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके सामने मैं मुझे ये बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन मैंने कई बार कई जगहों पे मैंने बोला है, बहुत बार इस तरह की बातें होती हैं कि मुझे लगता है कि इतने जोशो खरोश से आर्टिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मिलता क्या है उन्हें? सबसे बड़ी समस्या बहुत है बड़ी कि समस्या। संजय राज रोजी जी ने नाटक को, अभिनय को अपना जीवन दे दिया, 40 वर्ष अपने जीवन का दे दिया, और उन अगर अंतिम क्षण में जब वो मुड़ते हैं अपने परिवार की ओर, अपने समाज की ओर, तो कहा जाता है कि संजय राज रोजी जी के जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बिल्कुल है। तब अफसोस होता है कि हमने अपने जीवन को कहाँ छोड़ दिया। लेकिन उसके साथ ही एक चीज़ और आता है कि जब संजय राज रोजी जी के 30 वर्ष पूर्व नाटक में किए गए अभिनय को अगर कोई आदमी उस समय का प्रशंसक अभी मिल जाता है और कहता है संजय जी आपके उस अभिनय को हम देखे थे, इतना बेहतरीन आपका अभिनय था, उस समय दिल खुश हो जाता है बहुत बहुत कि इससे बढ़कर कोई पैसा नहीं है। बहुत खुशी होती है। इसके साथ ना एक और बात है, इसमें इतने दिनों के मेहनत के बाद एक बात का की संतुष्टि हमें मिलती है कि हमने समाज को कुछ दिया, जी सिर्फ मजाक नहीं किया, जो आज की एक परंपरा बनती चली जा रही है कि नाटक मैं अपने शौक के लिए करता हूँ वो गलत है, नाटक जीवन के लिए है। नाटक का तो मूल उद्देश्य ही होता था हाँ कि किसी पात्र पर आधारित ऐसे खेल को दिखाओ जो समाज को एक मैसेज दे दे एग्जैक्टली सही बात और समाज कुरीति की तरफ ना जाकर सुरीति की तरफ बिल्कुल जाए। सुसंस्कृत हो, जी हमारा समाज ये सुसंस्कृत हो। देखिए नाटक बड़ा आसान शब्द है, जी नाटक में जीवन के सारे रंग हैं और इन सारे रंगों को मंच पे ले आकर एक अभिनेता बहुत दर्द झेल कर आपको उन रंगों से परिचित परिचित कराता है। कहीं किसी के हत्याएं होती है, कुछ ऐसा प्ले होता है जिसमें हत्या की बात होती है, उस दर्द को आपको फील कराता है वो, फील करवाते जी कि देखिए ये जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार में कितना दर्द है, तो ये बिल्कुल एक अभिनेता ही कर सकता है। और तब और भयंकर देखने में लगता है कि जीवन में मूल लाइफ में जो कहा जाए वो हास्य में खुशी में जी रहा, और जब एक रंगमंच पर जब वो अभिनय प्ले करते हैं और उसमें उनका सीन जब इमोशनल होता है और उसको जब बेहतरीन ढंग से अदा करते हैं, तब महसूस होता है कि ये व्यक्ति देखो हमारे दर्द को किस तरह दिखा रहा हाँ आप रोते हैं हमारे साथ, आपको मैं तब फील कराता हूं और तब आप हमें कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। और असली रंगमंच वही वही है, है, असली रंगमंच जब वही तक है। मेरा एक्सप्रेशन मेरा संप्रेषण आपके अंदर तक ना चला जाए वो अभिनय नहीं है। बेगूसराय में तो सैकड़ों नाटक हो चुके हैं, हजारों की संख्या में हाँ कहा बहुत जाए, बहुत बहुत लेकिन आपकी दो सिनेमा जो ये नाटक जो थी, एक कबीरा खराब बाजार में और एक डाकू, ये बेगूसराय के नाटक के इतिहास का एक अलग ही कहा जाए क्षेत्र, अलग ही क्षेत्र, जिसे कई कलाकारों से बातचीत के दौरान पता चला है कि उस नाटक के पीछे बेगूसराय के जो प्रथम कैटेगरी के जो नाटककार थे, अभिनेता अभिनेत्रियां थे, उनका योगदान था उसमें। संभवतः विजय पाल जी भी बिल्कुल आप लोग बिल्कुल के साथ बिल्कुल थे बिल्कुल मैं हमारे गुरुदेव जी, वो हमारे गुरुदेव और यूं कहा जाए कि विजय पाल जी बेगूसराय के रंगमंच के जनक बिल्कुल में से एक हैं, एक हैं अनिल पतंग जी अनिल भी पतंग हैं, हैं शशिकांत सिन्हा हैं, जी श्री अवधेश हैं, ये सब हम जैसे कलाकारों को सींचा है उन लोगों ने जी और उन्हीं का ये फल जी लगाया आज हुआ एक बहुत बड़ा यस विशाल हाँ फुलवारी अभी जो है। राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल तक गया है। हमारे बेगूसराय के बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं
जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना काम अपना फन का फन दिखा चुके हैं। और बेगूसराय को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनेत्रियों को हमारे दिनकर भवन तक पहुंचाने का काम, सही बात, वो एक परंपरा बना दिए। वर्तमान दौर में नाटक जो हमारी लोक संस्कृति थी, जिसको आप लोग एक ग्रामीण माहौल दिखा देते थे, हमारा सामाजिक माहौल जो है उसको दिखा देते थे लोक परंपरा के माध्यम से, कुरीतियाँ थी उसको उसको उजागर करते थे, चाहे कई प्रकार की दहेज प्रथा थी, बाल विवाह थी, भ्रूण हत्याएं, यूं कहा जाए बाल मजदूरी, तरह तरह की समस्याओं को आप लोग नाटक में दिखाते। वर्तमान दौर में जो नाटक की परंपरा देख रहे हैं संजय जी, जो एक परंपरा चली आई रही है कि हम उस परंपरा को दिखाना भूल रहे हैं। बिल्कुल, जो अभी वर्तमान में हमारा जो भविष्य है, भविष्य की जो पीढ़ी है उसको एक सरमार्ग की ओर ले जाए, वो दिखाना हम थोड़ा बंद कर दिए। अब हम नाटक को थोड़ा मॉडर्न ला रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ऐसा है सर, आपका कहना बिल्कुल जायज है। हम जिस परिवेश से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, उस परिवेश को तो पहले हमें नहीं भूलना चाहिए जी। हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारा देश एक ग्रामीण देश है, कृषि प्रधान देश है, और उन उस उसकी जो समृद्धता है वो वही है जी, गांव में ही है। भारत गांव से ही सुंदर है जी, शहर से सुंदर नहीं है। इसकी ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है, और गांव में रहने का मतलब ये है कि हम विकास करें लेकिन अपनी परंपरा को ना भूलें, ये तय है। नाटक में पहले एक ग्रामीण परिवेश हम लोग दिखाते थे, आज भी दिखाते हैं जी, लेकिन हुआ क्या, पहले दिखाते थे हम लोग पूर्ण रूप से ग्रामीण परिवेश में दिखा रहा हूँ, अब क्या हुआ उसे हम एक सांकेतिक भाषा में दिखाते हैं जी, कि ये गांव आप फील कर लो कि ये गांव है जी। तो ये विकास का एक क्रम है, नाटक में विकास का क्रम ये है कि पहले जो हम संपूर्ण रूप से जीते थे, इसको मैं दूसरी तरह से आपको समझा रहा हूँ, मैं और आप जब संपूर्ण रूप से पहले मिला करते थे जी, अब सांकेतिक रूप सांकेतिक से मिलते हैं। सिर्फ जान लीजिए कि आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको जानता हूँ, दिस मच, यही है इसका विकास। आपके जैसे ही एक मंजे हुए कलाकार बोले कि पहले हम सोकर प्रणाम करते थे, कहा जाता था कि मेरा सिर आपके चरण तल के बराबर है, तब हुआ कि सोना छोड़ दिए, तब बैठ करके हाथ जोड़ते थे, तो ये सिर टखना तक पहुंच गया कि ये साबित करने लगे कि अब चरण से ऊपर मैं टखना तक पहुंच गया हूँ, फिर होने लगा बैठना छोड़ करके खरे खरे प्रणाम करने लगे। इसका अर्थ ये लगाया गया कि अब हम आपकी बराबरी में आ रहे हैं, ये हमारी संस्कृति छूटते गई, तब होने लगा कि प्रणाम कहना छोड़ करके लोग कहने लगे नमस्कार। नमस्कार का अर्थ लगाया गया, व्यंग्यात्मक कहा जाए कि नमः स्वकार, मैंने आपको मैं स्वीकार नहीं करता। अब तो इतनी व्यस्तता आ गई है समाज में कि रोजी भैया रोड के उस साइड से आ रहे हैं, रना इस साइड से जा रहा है, तो हाथ का इशारा कर दिया इस तरह से, अब रोजी भैया समझ रहे हैं कि ये इशारा कर रहा है कि प्रणाम ठीक ठाक हैं, लेकिन यहाँ कहने का भाव बदल रहा है कि आपसे बात करने की मेरी फुर्सत भी नहीं है, नहीं है, टाइम नहीं, ये परिवर्तन आ रहा है। यही तो विकास जब हम करेंगे शाबाशी तब है कि विकास के क्रम में हम अपनी पहचान ना भूलें जी। अब मेरे कोई बुजुर्ग है, मेरे एक मित्र है, मेरे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक मित्र है, हम दोनों साथ पढ़ा करते थे, एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट आज भी देते हैं जी, तो वो उससे जब मुलाकात होती है, जब सामना सामनी होती है, तो हम लोग कैसे मिलते हैं पता है, वो हमें देखता है ऐसे करता है, मतलब ये प्रणाम करने का एक नया अंदाज अंदाज ये भी नया डेवलप हुआ है, बस यूं किया हम भी ऐसे किए। हम कहां पहुंच गए हैं, हमारा समाज कहां पहुंच गया, परिवर्तन हो गया, हमारी दूरी कितनी बढ़ गई है, मतलब यार तुम दोस्त हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, जो हम... गले मिलते थे वो आंख के इशारे तक सीमित कर रहे हैं, यूं गर्दन झुकता है और बस प्रणाम पूरा हो गया, एक दूसरे का रिस्पेक्ट पूरा हो गया जी। तो यहाँ हम आके खड़े हैं,
ऐसे समाज में तो विकास जरूर हुआ है रंगमंच में, लेकिन उस विकास के दौरान हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं, जिसे संभालना हमारा काम है और हम चाहते हैं कि रंगमंच पे संस्कृति हमारा उजागर रहे रहे। संजय जी, आप एक युग नाटक का देखिए बेगूसराय में, और बेगूसराय में जो नवोदित प्रतिभा है, आप अपने अनुभव के आधार पर उसे कुछ संदेश दें। राणा बाबू, सबसे बड़ी बात है कि बेगूसराय का रंगमंच काफ़ी विकास कर चुका है और आगे और भी बढ़ना है। आज के जो नए कलाकार हैं उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ाई करें जी। अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो ना वो सही बोल पाएंगे, ना सही चल पाएंगे, ना ही किसी भी आर्टिकल का भाव समझ पाएंगे, ना ही किसी कविता का मतलब समझ मतलब पाएंगे। जी, और जब तक एक कलाकार शिक्षित नहीं है तब तक वो अच्छा कलाकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आज के आर्टिस्टों से कि वो खूब पढ़ें, तरह तरह की रचनाओं को पढ़ें, तरह तरह की कविताओं को पढ़ें, तरह तरह की कहानियों को पढ़ें, गंदी कहानियों को नहीं, अच्छी जी, कहानियों जी, को, बड़े बड़े राइटर की कहानी, तो उनका उनकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी और जब ही कल्पना शक्ति बढ़ेगी तो उनका अभिनय बेहतर होगा, उच्च श्रेणी की संजय जी, आप हमारे केवी स्टूडियो में आए हैं। एक प्रश्न हमारे केवी स्टूडियो की तरफ से है कि हमारे केवी स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर रोशन कुमार जी का यह प्रयास जो हर क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोगों को बुलाना, गुमनाम चेहरे को बुलाना, या जो अभी अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत हैं उनको बुलाना, एक मंच देना, उनके बारे में हमारा पूरा समाज जाने, पूरा बिहार जाने, यह प्रयास कैसा लगा? बहुत इसके बारे ही बेहतर। मैंने शुरू में ही कहा आपको कि ये पहल बेगूसराय में डॉक्टर रोशन जो हैं उनके द्वारा जो एक पहल शुरू की गई है, ये भविष्य में आने वाला समय दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम लेके आएगा। और डॉक्टर रोशन जो हैं, रेस्पेक्टेड डॉक्टर रोशन, जिनको बेगूसराय में ही नहीं बल्कि बहुत बिहार, यूं कहिए कि भारतवर्ष, राष्ट्रीय स्तर तक भी लोग इन्हें जानेंगे और इनका प्रयास बहुत ही अच्छा परिणाम लेके आएगा। मेरी शुभकामना इनके साथ हमेशा है, क्योंकि ये प्रयास इससे पहले भी हो सकता था जी। बेगूसराय में पहले भी कैमराज थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन किन्हीं लोगों ने प्रयास ये नहीं शुरू किया। ये प्रयास बहुत अच्छी बात है, एक बूस्टिंग कैपेसिटी मिलता है लोगों को, एक लोगों को जब आप बुलाएंगे उनके बारे में पूछेंगे, उन लोगों को पता चलेगा कि ये भी एक आर्टिस्ट है। जैसे आपने बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में मुझे बताया, वाकई मुझे पता नहीं था, मैं इतने दिनों से जुड़ा हूँ यहाँ के रंगमंच से जी। कुछ फिल्मों लाइन से भी, फिल्म लाइन से मेरा कनेक्शन है, लेकिन मुझे ये बातें पता नहीं थी अभी। रियली जब आपके इस स्टार्स ऑफ बेगूसराय का चैनल जो है उसको मैं जब देखता हूँ तो बहुत नए नए चेहरे से हमारा परिचय होता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और हमारी शुभकामना आपके साथ है और डॉक्टर रोशन के साथ है। हम लोगों को भी खुशी होती है कि जब हम लोग मेहनत करते हैं और उस मेहनत को जब आप लोग के, जिसे बेगूसराय के प्रसिद्ध लोग देखते हैं और उनका रिस्पॉन्स जब सकारात्मक आता है, तो हम लोगों के अंदर जो एक ऊर्जा है वो दुगुनी हो जाती है। और जी, और मन करता है कि और जितने भी प्रतिभा हैं, चाहे वो सुदूरवर्ती क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, उनको ढूंढें, उनको लाएं, उनको लाने के लिए, उनको मंच प्रदान करने के लिए जितनी मेहनत हो हम लोग जरूर करें। जरूर, 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 ये है अंतिम प्रश्न आपसे मैं कर रहा हूँ संजय जी। जी, वो नाटक क्षेत्र में भविष्य में आपकी कुछ योजनाएं होगी जो अभी तक आप नहीं किए होंगे, एक मन में कसक होगा कि वो काश इस चीज़ को करता, नहीं किया, अब भविष्य में इसको पूरा कर लें। हाँ, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि मेरी शुरुआत, मेरा प्रयास यह है कि मैं अब प्ले करूं तो बेगूसराय की
कोई स्क्रिप्ट हो, ओन रिटेन हो, उस पर काम करूँ, और आगे का प्रयास अभी चूंकि वो चरणबद्ध है तो शॉर्ट फिल्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी, ठीक है, उसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह हो रही है। तो अब ये आर्टिस्टों को ना रंगमंच से थोड़ा सा ऊपर आर्ट की दुनिया में ले जाने का प्रयास हम लोगों का है जी, और भविष्य में हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें हो, तो बेगूसराय की अपनी वो सहभागिता नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो। चलिए, हमें भी खुशी हो रही है कि रंगमंच के साथ साथ हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी संजय राजरोजी जी मूवी की तरफ भी हमारे बेगूसराय को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास अति शीघ्र सफल हो तो हम लोगों को भी खुशी है कि फ्यूचर में अब नाट्य विभाग से आगे बढ़कर सिनेमा की तरफ हमारे संजय राजरोजी जी के अनेक योजना है जिस पर कार्य चल रहा है। और हमारे आज के कार्यक्रम से जितने भी बेगूसराय के कलाकार आर्टिस्ट लोग आपकी बातों को हमारी बातों को सुन रहे हैं, सबके अंदर एक खलबली सी मचेगी, काश उस फिल्म में छोटा सा अभिनय मेरा भी हो, छोटा सा अभिनय मेरा भी हो। तो हम लोग का एक प्रयास कि बेगूसराय में प्रतिभा की कमी नहीं है, कभी नहीं, और हम आपके जैसे कई कलाकारों को जब यहाँ बुलाए तो एक कसक मेरे अंदर आया जो आप लोगों का उत्तर आया कि बेगूसराय में जो फिल्म बन रही है इसमें बाहर के कलाकारों को बुलाया जाता है और अधिक वैल्यू उसको दिया जाता है, और उनसे किसी भी मायने में बेगूसराय के कलाकार कम नहीं है, कहीं से नहीं। क्यों ना हम फिल्म निर्माण के क्षेत्र में स्थानीय कलाकारों को ही अधिक महत्व दें। एग्जैक्टली, हो सकता है उस फिल्म में उनके एक्टिंग को देखे आगे भी उनको अवसर मिले, एक उनका फ्यूचर डेवलप हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ओर आपकी का क्या इशारा है? मेरा मानना ये है जी, आपने सही कहा कि बेगूसराय में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जी, ये आपके और हम पर निर्भर करता है कि हम उस कलाकार को किस हद तक काम करा पाते जी। और सबसे खास बात ये है कि मेरी जो योजना है ना वो कोई डांस वांस या इस तरह की फिल्मों के और नहीं है जी। हम आर्ट पर काम करना चाहते हैं और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ ऐसी कहानियां हैं जी जो काफ़ी संवेदनशील प्रश्न को उठाता है जी, और उसमें बेगूसराय के कलाकार को लेकर ही हम काम करेंगे। अच्छा, किसी भी बाहर के व्यक्ति, देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, कहीं से शुरुआत आप करें जी। आज बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं या कैमरामैन हैं या जो भी हैं, उनकी शुरुआत नए कलाकारों के साथ ही हुई होगी। बिल्कुल। और वो काम करते 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 एक ऊंचाई तक आज पहुंच चुके हैं जी। तो बेगूसराय में कलाकार ऐसे ऐसे हैं जो मैं क्या बताऊं आपको, राष्ट्रीय स्तर पर उनसे अच्छा बेहतर कलाकार नहीं है, नहीं है जी, बशर्ते उनको काम आप में कैपेसिटी होना चाहिए कि उनसे आप काम करा पाए, उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको कैसे हम निकालें और उसका निखार करें। बेगूसराय में कई बड़ी सिनेमा, कई बड़े ये छोटे शॉर्ट मूवी बन चुके हैं, अभी भी बन रही है, और लगभग सभी सिनेमा में देखा जाए तो बेगूसराय के स्थानीय कलाकार जो भी हैं, चाहे अनिल पतंग जी की जट जटिन हो, कोई भी, चाहे दिनकर भारद्वाज जी की चौहर हो, चाहे विश्वनाथ पुद्दार जी की बलमा रनरसिया हो, रजनीकांत पाठक जी की लभियो दुल्हिनी हो, इस फिल्म को जो बड़े फिल्म को हम लोग देखते हैं तो स्थानीय कलाकार की प्रतिभा को जब देखते हैं तो एक अंदर में गर्व होता है कि बेगूसराय हम उस भूमि पर जन्म लिए हैं जो ऐसे कलाकारों से भरा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल भरा पड़ा है। अब उसमें निखार लाना एक डायरेक्टर का, बिल्कुल, बिल्कुल। एक वरिष्ठ कलाकार का कार्य है, उनका काम बहुत अच्छे कलाकार बेगूसराय में एक से एक कलाकार है जी, एक से एक प्रतिभा। और सबसे बड़ी बात देखते हैं संजय जी बेगूसराय में कलाकारों में और जगह की स्थिति और बेगूसराय में जब देखते हैं तो आपके जैसे जितने भी सीनियर कलाकार हैं
सभी नवोदित कलाकार के पीठ पर हाथ रखकर साहस देते हैं, तुम और बेहतर कर सकते हो, और बेहतर कर सकते हो। और होता क्या है कि वह कमज़ोर कलाकार भी होता है जिसके अंदर क्वालिटी की कमी भी होती है, तो आप लोग के साहस के बदौलत, आशीर्वाद के बदौलत वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बढ़ना भी चाहिए ना, पीढ़ी तैयार तभी होगी ना जी। पीढ़ी तो तैयार करना हम लोगों की जिम्मेदारी है जी। अगर मेरे पास आर्टिस्ट हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, अगर मैं उन्हें तैयार ना करूं तो वो फील्ड तो खाली रह जाएगा जी, एक परंपरा खत्म होने लगेगी, हो जाएगी जी। जो खत्म होना नहीं चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, मैंने एक प्ले किया था बाबूजी जी, उसमें एक लाइन मैंने लिखा था, उसमें लिखा ये था कि सामाजिक रूप से आर्टिस्ट को समाज अपनाना नहीं चाहता है जी, लेकिन इसके बिना रहना भी नहीं चाहता है जी। बिल्कुल, आप कब बहुत जगह सुनने को आपको मिला होगा कि ओ क्या करेगा, नाटक फाटक करता है। मतलब ये है कि वो हमारे कामों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन जब हम नाटक करेंगे उसी वही लेवल, जब सीरियल्स आती है, फिल्में आते हैं तो वो टिकट पैसा कटा के जाते हैं देखने, वहां भी कलाकार को ही वो देखते हैं। बिल्कुल, उसके बगैर वो नहीं रह सकते, दिन रात मोबाइल में रहते हैं वो, तरह तरह के वीडियो को देखते हैं, सीरीज को देखते हैं, वेब सीरीज को देखते हैं, वहां भी कलाकारों को देखते हैं, उसके बगैर वो रह नहीं सकते। और वो क्वालिटी जो हम लोग यहाँ दे देते हैं नाटक में, वो सीरियल में नहीं मिल पाता। बिल्कुल, और उचित सम्मान भी देना नहीं चाहते। तो ये तो सामाजिक एक पता नहीं ताना बाना किस तरह का है जी, जिसमें कलाकार इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करने के बाद भी उसे उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। इन स्पाइट ऑफ दैट सारे आर्टिस्ट अभी भी लगे हुए हैं और लगे रहेंगे फ्यूचर तक। आप लोगों से बेगूसराय के लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती है, जब आपके इंटरव्यू को या मंच से पर जब आप लोगों को देखते हैं बेगूसराय के दर्शक लोग, तो उनके अंदर एक जागृति उत्पन्न होती है, एक भावना उत्पन्न होती है कि काश हमारे ये जितने भी नाटक के भीष्म हैं, उस परंपरा को, लोक परंपरा जो हमारी है, उसको फिर से एक बार बेगूसराय के नाट्य फलक पर दिखा दें। इसके तरफ क्या प्रयास आप लोगों का होगा? नहीं, आने वाले दिनों में एक तो लगातार हम लोग लगे हुए हैं रंगमंच जी, और हर समय प्रयास ये रहता है कि यहाँ का रंगमंच विकसित हो और हमारे हमसे लोग जुड़ें और नई नई चीज़ों को हम लोग उनके सामने लेकर जाएं। लेकिन क्या है ना कि अभी कुछ माहौल बेगूसराय का इस सिलसिले में गड़बड़ाया है। मेरे कहने का मतलब है कि एक तो कोरोना का जो हाल है वो तो अभी है जी, जी, बिल्कुल। दूसरी बात, कभी कभी प्रशासनिक तौर से भी कलाकारों की को मदद नहीं मिल पाती है। अभी कभी टाउन हॉल का प्रॉब्लम हो जाता है तो कभी किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद राणा जी आप यकीन मानिए बेगूसराय में सारे आर्टिस्ट, सारे बहुत सारी संस्थाएं हैं, सारे संस्थाओं के जो लड़के हैं, आर्टिस्ट हैं, वो जी जान से लगे रहते हैं और अच्छे से अच्छी प्रस्तुति वो करते हैं अपने हिसाब से। एक सबसे बड़ी बात होती है कि आप महीनों दिन तक रिहर्सल करके एक नाटक की तैयारी करते हैं और आपका कार्यक्रम कल होना है और आज प्रशासन के तरफ से आता है कि दिनकर भवन आपके लिए खाली नहीं है, उस समय कैसा प्रभाव पड़ता है? उस समय मतलब क्या हम बोले, एक आर्टिस्ट के लिए रंगमंच में प्ले तैयार करना जी एक बेटी की शादी की तरह होती, कितना दर्द होता है उसमें। उसके बाद अगर इस तरह का रवैया कहीं किसी के द्वारा हो जाता है और हजारों दर्शक लोग जो आस लगाए रहते हैं कि आज प्ले होगा और शाम में प्ले होना है, सुबह में नोटिस आ गया कि प्रशासन उस पर रोक लगा दी, ये बहुत ही अनुचित बात है। हमारे आर्टिस्ट फिर भी हमेशा प्रयासरत रहते हैं जी कि हम उसका विकल्प अब जगह खोजना पड़ जाता है, हर चीज करना पड़ जाता है, लेकिन उस तरह का कोई सहयोग हम लोगों को प्रशासन की तरफ से ना कभी नहीं मिलता है और बिल्कुल निराश की तरह हम लोग अपना प्रयास करते रहते हैं, किसी तरह प्ले करते हैं, जबकि एक समाज के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है। बिल्कुल जी, साहित्य और कला अगर ये जिस समाज में ना हो वो समाज नीरस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ये तो आप शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जब देखते हैं, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, ईद हो, सरस्वती पूजा, होली हो, ये चार पांच पर्व जो होते हैं हमारे समाज में, तो उसमें घर का खर्च तो लोग करते ही हैं,
ग्रामीण लोग और सब लोग युवा पीढ़ी को पूछते रहे नाटक खेलेगा कि नहीं खेलेगा, और सब लोग 100, 200, 500 जिनके जेब में जो रहता है वो चंदा दे करके ग्रामीण युवा को एक रास्ता दिखाते हैं कि देखो सामाजिकता ये है, तुम उस मंच पर जाओ जहाँ हर संप्रदाय के लोग लड़के आते हैं, कलाकार आते हैं, हर दो तीन धर्म के लड़के आ जाते हैं और सब एक साथ, कोई बेटा बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई पत्नी बनती है, कोई माँ बनती है, एक परिवार दिखाता है कि हम सब मिलकर के एक परिवार की तरह हैं, समरस स्थापित होते हैं। और उस समरस स्थापित करने में यदि सरकार का सहयोग जहाँ अपेक्षित है, प्रशासन का सहयोग अपेक्षित है, नहीं मिलता है, तो यूं लगता है कि ये लोग कलाकारों के मनोबल के साथ, उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। फ्यूचर ही नहीं कहिए, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे कला के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक परंपरागत जो हमारी संस्कृति है उसमें खिलवाड़ करना ये दिखता है। और दुख तब होता है जब दर्शकों को, समाज से जुड़े जो भी लोग होते हैं, जो नाटक को एक कहा जाए कि अध्ययन के सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, उनके अंदर तब ये भावना आती है, का लगता है कि इस पीढ़ी को अब ये प्रशासन लोग निज स्वार्थ के लिए या अन्य कार्य के रूप में उस प्रयोग करके इस पीढ़ी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, तब लगता है। हाँ बिल्कुल, ये जबकि वर्तमान दौर में सरकार की कई योजनाएं आ चुकी है कि कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और बड़े बड़े स्कूलों में अब एक्टिंग का, डांस का कहा जाए, गायन का कहा जाए, इस सब का एक सिलेबस बनाया गया है कि बच्चे लोग पढ़ें, उसमें अपना फ्यूचर बनाएं, लेकिन वो कहाँ बनाएंगे, उसका प्रैक्टिकली करने के लिए जगह नहीं मिल पाता है, नहीं उसमें सहयोग नहीं मिल पाता है। नहीं नहीं, उसका सहयोग कैसे मिलेगा सर, एक बात बताइए, जब हम ये जानते हैं कि सरकार की ये योजना है और हमारे पास वो योजना आई तो इम्प्लीमेंटेशन तो मैं ही करूँगा ना जी, तो उसमें किसकी जिम्मेदारी है, हमारे समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई आपके पास ये योजना आई है और इस तरह की बातें हैं, आप उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन उसमें भी हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे लोग चुप्पी लगा बैठते हैं, नहीं बोल पाते, नहीं बोल पाते हैं, जिसका खामियाजा लड़कों को, बच्चों को, एक पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो नहीं बोल पाते हैं, अंतिम प्रश्न हमारा आपसे है रोजी जी, आपको भी बहुत सारे काम होते हैं और उसमें से हमारे स्टूडियो के लिए डॉक्टर रोशन सर के आग्रह पर आप अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, अंतिम प्रश्न है कि इस तरह से जिन्होंने नाटक के लिए अपना जीवन का आधा से अधिक समय दे दिया और जिनकी एक पहचान नाटक से बनी, वो लोग जब चुप्पी साध लेते हैं निश्चित रूप से नई प्रतिभा आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उनके लिए संजय राज रोजी जी का क्या मैसेज है? नहीं, इसमें जो हमारे मित्र हैं, हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, हमारे सीनियर्स जो लोग हैं, इस रंगकर्म के क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा परिष्कृत करने के लिए जी उन्हें आगे आना पड़ेगा जी, अपनी जिम्मेदारी से उन्हें बचना नहीं पड़ेगा, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और मेरा तो मानना यह है कि ठीक है संस्थाएं अलग हो, बेगूसराय हमारा एक ही है, बिल्कुल हमारी सारी संस्थाएं अलग हो ठीक, हमारी पहचान संस्था से नहीं है, हाँ, हमारी पहचान बेगूसराय से, तो हम सारे संस्थाओं वालों की ये जिम्मेदारी है कि हम एक मंच पे ऐसा आए, एक मंच ऐसा बने जिस मंच पे पूरे बेगूसराय जिले के आर्टिस्ट उसमें मेंबर हों और उनका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, सबों की जिम्मेदारी होगी, और तभी वो फल फूल के सामने आ पाएगा। एक सामूहिक रंगमंच होना बहुत जरूरी है, संस्थाएं अपनी जगह है वो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बेगूसराय के एक विकास के लिए, रंगमंच के विकास के लिए एक कॉमन एक मंच होना चाहिए जो बेगूसराय का रंगमंच है, जिसे पूरे बेगूसराय के जिले के आर्टिस्ट हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, कहीं के भी जी, गायक हों, आर्टिस्ट हों, कुछ भी हों, उसका मेंबर वो हो, और हम लोगों की जिम्मेदारी है, पायस ड्यूटी है कि उनका देखभाल। अभी देखते हैं
के शिक्षण संस्थान में जब जाते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सबकी एक यूनिटी बनी होती है। बिल्कुल, आप वकालत खाने में रहते हैं, वहाँ भी आपकी एक यूनिटी बनी होती है, नेशनल लेवल तक है। व्यवसायियों में जाते हैं तो उनकी भी एक यूनिटी होती है, मजदूरों की भी एक यूनिटी होती है, लेकिन नाट्य विधा में जो भी हैं उनकी यूनिटी नहीं है। यही दुर्भाग्य है ना, इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने और केवीएस स्टूडियो के माध्यम से ये मैं उनसे कह रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े जो हमसे भी ज्यादा सीनियर लोग, बड़े बड़े लोग हैं, वो प्रयास करें, हम उनके साथ हर कदम पे खड़े हैं और एक मंच पे पूरे जिला के रंगमंच को लेके आए, हम उनके साथ खड़े हैं, हर संभव प्रयास हमारा उनके साथ रहेगा और तब बेगूसराय का जो रंगमंच है, ये बेगूसराय ही नहीं, मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक हमारा बेगूसराय उभर के सामने आएगा। कितनी गर्मी है बेगूसराय के जमीन में। चलिए, आपकी बातों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से बेगूसराय में जितने भी रंगमंच से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सभी सकारात्मक रूप में लेंगे और एक मैसेज हमारे समाज को देंगे, हमारे बेगूसराय को देंगे, हमारे प्रशासन को देंगे कि यहाँ संस्था नहीं है, यहाँ एक बेगूसराय है, एक बेगूसराय, और सब मिलकर संघर्ष करेंगे नवोदित प्रतिभाओं के भविष्य के लिए कि उसका भविष्य बहुत विशाल हो, उज्जवल हो, और उसके लिए सबों का प्रयास हो। इसी के साथ आप अपना बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो को दिए, हम पूरे केवी स्टूडियो परिवार खासकर डॉक्टर रोशन सर की तरफ से आपका हार्दिक आभार शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।